तो स्टेबिलिटी के अंदर ये ग्राफ लास्ट टाइम भी देखा था, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्या किया गया, न्यूक्लियस लिया, सभी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं सबका न्यूक्लियस ले लिया, सबके न्यूक्लियस में काउंट किया कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स को एन से रिप्रेजेंट किया और प्रोटॉन्स को जेड से रिप्रेजेंट किया। तो अगर किसी भी एलिमेंट में एन और जेड बराबर है तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ बनेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन ज्यादातर एलिमेंट स्टेबल देखे गए, स्टेबल एलिमेंट्स में एन और जेड में ये ब्लैक कलर के देख रहे हो सर्कल्स, ब्लैक डार्क ब्लैक, ये स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। तो एन और जेड की रेशियो में अगर ये ग्राफ से ऊपर कोई एलिमेंट है तो यानी कि उसमें एन बड़ा है और जेड छोटा है, क्योंकि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो एन बड़ा है जेड छोटा है, न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं और प्रोटॉन्स कम है। ज्यादातर स्टेबल एलिमेंट्स में एन और जेड को कैलकुलेट किया प्लॉटिंग की ग्राफ में, तो वो प्लॉटिंग ये आई डार्क कलर के सर्कल्स। जो व्हाइट कलर के सर्कल दिख रहे हैं गोल गोल, ये थोड़े अनस्टेबल हैं, क्योंकि अगर आप नया एलिमेंट लेके आओ और मुझसे पूछो कि सर ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो मैं एन और जेड पूछूंगा, प्लॉटिंग करूंगा, अगर प्लॉट इस ब्लैक सर्कल के बीच में आ गया मैं कहूंगा स्टेबल है, और अगर ग्राफ मान लो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये ग्राफ यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो सोचो एन और जेड अगर यहां पे आ गया तो सोचो एन बहुत बड़ा है जेड से। अब न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियॉन ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर आपका पॉइंट यहां पे आ जाता है तो सोचें उसका जेड बहुत बड़ा है, एन छोटा है पर जेड बड़ा है, यानी कि उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो ग्राफ अगर नीचे या ऊपर बनता है तो या तो न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं या प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हैं, सही नहीं है। तो दोनों ही क्वांटिटी में अगर ज्यादा हो जाए कुछ भी एक, चाहे न्यूट्रॉन चाहे प्रोटॉन्स, तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये ग्राफ क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है कि स्टेबिलिटी के अंदर कौन सा एलिमेंट स्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा, ग्राफ से प्लॉटिंग से चेक हो जाता है। ठीक,